अरे बाराती आ गए। दीदी दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। टीएनसी अप्लाई। नागपुर के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से योगेश लांजेवार मैदान में आए हैं। दिग्गज नेताओं के साथ उनका मुकाबला है। योगेश लांजेवार से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि शहर में विकास की बात तो हो रही है, तो बिहान का क्या हुआ है। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा भी उजागर किया। देखिए जो आप लोग कहते हैं कि नागपुर में जो खासदार है वो दिग्गज है, दिग्गज है, दिग्गज है, हमें ऐसा लगता है कि दिग्गज किस बात से, पैसे से, धन संपत्ति से, बाहुबल से, इसको दिग्गज कहा जाता है। इतिहास देख लीजिए, हमने इतिहास पढ़ा है, कई जंग कई लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी कि जिसमें संख्या मायने नहीं रखी, जिसमें धन दौलत मायने नहीं रखी, लेकिन हौसला मायने रखा। भीमा कोरेगांव का इतिहास 1818 का देख लीजिए उठाकर। आज सारी दुनिया जान गई है कि 500 महारों ने 28,000 की फौज को नेस्तनाबूद कर दिया था, इसलिए क्योंकि उनके 500 महारों में हौसला था, एक जज्बा था और लड़ाई जीतने का हौसला ही उनको जीत दिला पाया। इसलिए हमारी नज़र में कोई मायने नहीं रखता है कितना कोई दिग्गज है और कितना कोई ताकतवर है। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं और हमारा समाज, हमारी जनता हमारे साथ में, ये हमारे लिए सबसे बड़े जीत का मुद्दा है। एजेंडा ये रहेगा कि इस नागपुर लोकसभा में 10 साल से जिनकी सत्ता रही है, विकास का वादा किया गया, इस विकास के नाम पर कितना विकास हुआ। हम पूछना चाहते हैं गडकरी जी से कि 10 साल आपके हाथ में नागपुर शहर था, 10 साल आप यहाँ के खासदार थे, आप केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन आपके नागपुर के इस लोकसभा में युवाओं के लिए आपने रोजगार के क्या अवसर पैदा किए, कितनी बेरोजगारी आपने यहाँ पर फैला दी है। आपने मिहान का सपना हम लोगों को दिखाए थे, आज मिहान में जाकर देखिए रेगिस्तान नजर आता है। आपने कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट लाए जिसके कारण यहाँ का युवा अपने आप को महसूस करे कि हाँ वो नागपुर शहर में रहता है और इस नागपुर शहर में रहकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक है और यहाँ की सरकार, यहाँ का खासदार, यहाँ का सांसद उसे नौकरी देता है, धंधा देता है, बिजनेस देता है, जिसके भरोसे पे वो नागपुर में अच्छा जीवन जी सकता है। ऐसा कोई मौका आपने नहीं दिए। दूसरी बात, आपने यहाँ की स्कूलों को ख़त्म कर दिए, जो स्कूल निहायत जरूरी होती है उन स्कूलों को आपने ख़त्म कर दिए। आपने फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो बनाए, रास्ते बनाए, सीमेंट और सारा प्रदूषण आपने कर इस नागपुर की जनता को बीमार और उसको अस्थमा का बीमार कर दिए। तो भाई आपको हमारा प्रश्न है कि आपने स्कूलें ख़त्म कर दिए, स्वास्थ्य खत्म कर दिए, बताइए एजुकेशन अगर नहीं मिलेगा इस देश का युवा कैसे बन सकता है, इस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। इस देश की तरक्की तभी होगी, इस शहर की तरक्की तभी होगी जब इस देश का बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छा युवा बनेगा, लेकिन उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई से आप दूर रखे। आपने सारी सरकारी यंत्रणाएं खत्म कर दिए, सरकारी स्कूलें खत्म कर दिए, वहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए, उस कॉम्प्लेक्स में कौन रहने वाला है, बड़े बड़े लोग रहने वाले हैं, हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोग, हमारे बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मुस्लिम समाज के, ये सारे लोग वो गरीब बस्तियों में रहते हैं, इनके विकास के लिए आपके पास में क्या एजेंडा था, क्या प्लानिंग था। हमारी नज़र में इनके पास कोई प्लानिंग नहीं था। आज भी वो बता रहे कि मैं इतना करूँगा और 12 फ्लाईओवर बनाऊंगा और इतने सीमेंट रोड बनाऊंगा और इतनी बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स खड़ा करूंगा, ये सारे वादे करते हो, इसका मतलब 10 साल में आपके पास नागपुर शहर के विकास के लिए कोई प्लान नहीं था। जब आपके पास प्लान नहीं था तो आपने हमारी जनता के साथ में धोखा किए, ये हमारा आरोप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारे, वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन, महाविकास आघाड़ी को, जो भी उन्होंने समर्थन दिए होंगे, नेताओं ने समर्थन दिए, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ इस नागपुर शहर में दीक्षा भूमि को मानने वाला हमारा जो अंबेडकरवादी समाज है, 6 लाख पॉपुलेशन जो है जो बहुजन समाज पार्टी को मानता है, अगर वंचित को मानने वाला जो भी हमारा भाई है, जो भी हमारा वोटर्स है, वो सारा वोटर्स आज की हालत में नीले झंडे का एक ही झंडा खड़ा है जिसका निशान हाथी है और वो हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि वो कांग्रेस या अन्य इसमें दल में नहीं जाएगा, वो सारा का सारा वोटर बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर आएगा, बाबा साहब के हाथी पर आएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।